आम आदमी पार्टी के नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पर भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ, शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। चेहरा बदलने से आपका चरित्र नहीं बदलेगा, आतिशी को दिल्ली का नया सीएम चुनने पर वीरेंद्र सचदेवा का तंज। दिल्ली को आज नया सीएम मिल गया, आतिशी मार लेना आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट बनाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। सुबह 11 बजे आपकी बैठक में आतिशी के नाम का प्रस्ताव आया, जिस पर सभी विधायकों ने अपनी सहमति दे दी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला सीएम बनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पद से इस्तीफा देने के बीच भाजपा ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली में अपने शासन के दौरान 10 साल के भ्रष्टाचार के लिए अभी भी जवाबदेह है। भाजपा की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि चेहरा बदलने से आपका चरित्र नहीं बदलेगा। केजरीवाल के 10 साल के भ्रष्टाचार को देखते हुए जो भी मुख्यमंत्री होगा उसे लोगों को बताना होगा कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को कैसे लूटा। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है, और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। धन्यवाद। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।